कमजोर सरकार, ऐसे टांगे कांपती हैं मोदी जी की, जो सरकार की ऐसे टांगे कांपती हैं। जब ही तो चार लाइन से हिल गई, नहीं तो कोई भी कुछ भी करता रहे तो मैं फर्क क्या पड़ता। भारत में किस तरह से अन्याय हो रहा है, किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनकी अपनी ही सरकार अन्नदाता पर किस तरह के जुल्म ढा रही है। आपने बैरिकेड लगाई है, आपने दीवार लगा दी है, आपने हाईवे को तोड़ दिया है और आपकी पुलिस के सामने ही गुंडे आके हमला कर रहे हैं, तो बदनाम कौन कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ये सिर्फ नासमझ लोग हैं जिनको प्रशासन करना नहीं आता, जिनको पब्लिक को हैंडल करना नहीं आता, जो सत्ता में इतने चूर हो गए हैं कि वो गुंडागर्दी और ताकत के दम पे ही इस सरकार को बनाए के रखना चाहते हैं। बयान ट्विटर से सीधी चेतावनी, ट्विटर को बोला है या तो आदेश का पालन करो वरना अंजाम भुगतने को तैयार। मोदी जी ने सरकार ने अच्छा धमकी देने पे उतर आए हैं, बढ़िया बात है। तो मैं समझता हूँ अगर ईमानदारी से इस धमकी का पालन किया गया तो बीजेपी वालों के सारे जो आईटी सेल के ट्विटर बंद हो जाएंगे, क्योंकि ईमानदारी से तो यही बात है। बाकी मैं जानता हूँ वो बहुत ही स्पेसिफिक चूज करके कि इसका वो बंद करेंगे। इन सब चीज़ों हम पे क्या फर्क पड़ता है? ट्विटर वाला जवाब देगा भैया तेरा बिजनेस बंद हो जाएगा, वो उसे करने दो काम। एक ट्वीट वर्सेस इतना फर्क हो गया कि बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज ने उस ट्वीट के अगेंस्ट ट्वीट कर डाला। नहीं, बॉलीवुड के लोगों को एक पक्षीय बात नहीं कहनी चाहिए। बॉलीवुड के लोगों को सबसे पहले अगर ट्वीट करना था या विरोध करना था तो अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया और उसके बाद में विदेशी यूरोपियन यूनियन के जो एमपीस को उनको स्पॉन्सर्ड करके, वो पता नहीं क्या नाम है उसका लड़की का, मधु शर्मा या कौन थी जिसकी जो कंपनी जिसके माध्यम से स्पॉन्सर्ड करके तकरीबन 20-22 या 25 जो है सांसदों को वहां से लाया गया, उनको यहाँ कश्मीर ले जाया गया, कश्मीर की सैर कराई गई, उनको सारा बताया गया, तो उन्हें सबसे पहले वहां उठाना चाहिए था। ये तो केवल ट्वीट ही हुआ है, वो तो उठा के ले आए सबको कि कश्मीर दिखाने के लिए कि हमने कितना बढ़िया किया और कश्मीर में सब शांत है, जबकि सबको मालूम है कि कश्मीर की कितनी बुरी दुर्गति कर दी गई है। 80 लाख लोगों को साल भर तक आपने कैद में रखा है, आप सारी दुनिया इस बात को जानती है नहीं है स्थिति। तो ये जो जितने भी कलाकार है बड़े उछल रहे हैं आज, अब दिक्कत यह है कि लोग चापलूसी में और गुलामी में इतने डूब गए हैं कि उनका अपना अस्तित्व बचा नहीं है और चंद टुकड़ों की खातिर वो ये सारी चीजें करते हैं। मैंने देखा सचिन का भी था, सचिन बहुत अच्छे आप कलाकार हो, बड़े अच्छे मतलब आप क्रिकेटर हो, तो ये बात आपको तब भी कहनी चाहिए थी, आपने तब तो नहीं कहा, अब कह रहे हैं आप। तो ये जो पिक एंड चूज वाली स्थिति है कि जब मेरा मन आया तब मैं कहूंगा और जब नहीं होगा तो मैं नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हर व्यक्ति को और इस स्टेटस के व्यक्तियों को बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, बात वो करनी चाहिए जिसे हर कोई कहे हाँ यार वो सही कह रहा है। सर क्या सर इनसे कोई कहलवा रहा है या खुद कह रहे हैं? यार मैं तो समझ रहा हूँ अगर कहलवा रहा भी है तो भी उन्हें डूब के मर जाना चाहिए कि तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या, तुम्हारा इतना बड़ा कद। जिस व्यक्ति को क्रिकेट का भगवान कहा जा रहा, अबे भगवान जो है इन पॉलिटिशियन के सामने जो नाक रगड़ रहा, यही तो हो गया ना इसका मतलब, अगर कोई कहलवा रहा है। और अगर अपने आप कह रहे हैं तो आप में इतनी समझ नहीं है, आपको कहने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बाकी सारी चीजें उनकी भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई बात कहेंगे उसका अर्थ होता है, आप यू ही कह दें उसका मतलब नहीं है। जिस रेहाना नहीं है बल्कि उनका नाम है रियाना, पॉप स्टार है, बहुत ही मतलब फेमस दुनिया में, मोदी जी से भी ज्यादा फॉलोअर है उनके, 10 करोड़, मोदी जी के तो 6 करोड़ है नहीं है, तो कितना बड़ा कद होगा उनका, आप यही लगा लीजिए आप। और अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं कोई अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके विषय में आवाज उठाता है तो सही बात है, मैं समझता हूँ इसमें दिक्कत वाली बात हमेशा उठाती रही है ना आवाज, बिल्कुल अच्छी बात है, उन्होंने नाइजीरिया में उठाई और भी जगह उठाई, ये अच्छी बात है। और जब आप पूरे देश को दुनिया से ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक हो जाए, यही तो कर रहे हो, तो फिर तो कहीं भी कोई भी आवाज उठा के फिर इसमें दिक्कत क्या है भाई? सर रियाना का जो ट्वीट था वो असल में कंट्रोवर्शियल ट्वीट नहीं है कि उसकी वजह से देश टूट जाए या इस तरह की कोई, या देश पर सवाल उठाया जाए, कमजोर सरकार, तो फिर क्यों लगातार उसको ऐसा दिखाया जा रहा है? कमजोर सरकार ऐसे टांगे कांपती हैं मोदी जी की, जो सरकार की ऐसे टांगे कांपती हैं। जब ही तो चार लाइन से हिल गई, नहीं तो कोई भी कुछ भी करता रहे तो मैं फर्क क्या पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थिति देश में है
उसे ऐसे लोग भी देख रहे हैं और बड़ी खतरनाक स्थिति है, तभी उन्होंने ट्वीट किया। और उनके फॉलोअर मोदी जी से ज्यादा, यानी 10 करोड़ लोग, तो एक व्यक्ति के इतने बड़े फॉलोअर हैं, स्वाभाविक है अगर उसने कोई बात की है तो उसका महत्व है। इसका मतलब पूरी दुनिया में एक भावना बनेगी, एक विचार बनेगा, एक संदेश जाएगा कि भारत में किस तरह से अन्याय हो रहा है, किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनकी अपनी ही सरकार अन्नदाता पर किस तरह के जुल्म ढा रही है। इसलिए सरकार कांप रही है, सरकार डर रही है, अंतरराष्ट्रीय माहौल सरकार के खिलाफ जाएगा। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कराने की एक कोशिश हो रही है कि कांग्रेस ने रिहाना को खरीद लिया है, उसको फंड किया है। सर देखो, मैं तो रिहाना जो कई सौ करोड़ की मालिक है, कई लाख करोड़ की जो मालिक है उसके, उस पर इस तरह के नहीं, मैं समझता हूँ चुनाव नहीं जीत पा रही, ईवीएम नहीं खरीद पा रही वो, तो रिहाना मतलब चुनाव जिताएंगे यहाँ पे। देखिये, बीजेपी की मुसीबत क्या है, जब उसे राजनीति करनी हो तो उसके पास दो ही चीजें हैं, या तो हिंदू मुस्लिम, और या जो है कांग्रेस करवा रही है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा कभी कुछ नहीं बोलते वो, तो ये उनकी मजबूरी है, उनके पास कुछ है भी नहीं कहने को। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों से आप कितना ही ट्रेंड करा लें, ट्रेंड कराने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो जमीनी हकीकत है वो बिल्कुल उलट है, और वो जमीनी हकीकत आज की तारीख में इस देश में इस मोदी सरकार के अगेंस्ट में है। 80% से ज्यादा इस देश के लोग आज की तारीख में मोदी सरकार के अगेंस्ट में है। तो ये सरकार को समझना चाहिए, और जो आप ये कीलें गाड़ रहे हो, मतलब जैसे हम कोई विदेशी आ गए, अबे इतनी कीलें चाइना पे गाड़ी होती है ना, चाइना वाले बॉर्डर पे, तो कम से कम हमारे 20 जो जवान है वो शहीद नहीं होते। धन्यवाद। यार इन कीड़े मकोड़े की बात मत किया करो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये सब कीड़े मकोड़े हैं जिनकी बात कर, वो बीजेपी के जो इसी बात के लिए पाले गए लोग हैं कि लोगों को आप गाली दो, और गाली देने से क्या होगा, लोग गाली कई बार चुप जाती हैं तो इससे माहौल खराब होता, आप प्रतिक्रिया दोगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। वो माहौल खराब करना चाहते हैं, हम माहौल खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि हम 72 दिन से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आगे जब तक भी चलेगा बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से हम आंदोलन करेंगे। हम कानून को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और हम इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने हैं, और वो तभी संभव होगी जब देश में शांति बनी रहेगी, और हम उसके पुजारी हैं, वही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक बयान है सर कि आंदोलन के नाम पे देश को बदनाम किया। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं स्वयं, इसके अलावा तो कोई है नहीं। प्रधानमंत्री उनकी आईटी सेल ये बदनाम कर रही है, ये प्रधानमंत्री से पूछना है जो कील लगाई गई है ये क्या है, ये मतलब देश के अन्नदाता का इससे बड़ा अपमान कोई होगा जो आप कर रहे हैं? दुनिया देख रही है, आपने कील लगाई है इतनी बड़ी बड़ी, आपने बैरिकेड लगाई है, आपने दीवार लगा दी है, आपने हाईवेज को तोड़ दिया है, और आपकी पुलिस के सामने ही गुंडे आके हमला कर रहे हैं, तो बदनाम कौन कर रहा है? माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उनकी पार्टी कर रही है, उनकी पार्टी के लोग, उनके संगठन आरएसएस और बीजेपी के गुंडे कर रहे हैं बदनाम। किसान कहां कर रहा है? किसान तो अपनी इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा बड़े शांतिपूर्वक तरीके से। तो ये मोदी जी को सोचना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं उसमें कितना सच है। पर मैं मोदी जी की बात का बुरा नहीं मानता, इसलिए क्योंकि अनपढ़ आदमी है। दूसरा, मोदी जी जो है झूठ के अलावा कभी कुछ बोलते ही नहीं है, और कुछ उन पर आता भी नहीं है। इतनी बात कील उखड़ गई भाई, आपको बधाई देनी चाहिए भाई, सभी मीडिया वालियों को जो आप साथी हैं आपको बधाई, आप कील नहीं दिखाते तो उठती, अभी तो कील ही उखड़ गई, अभी तो कुछ हुआ ही ना, अभी से उखड़ गई। मोदी जी ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था, और थोड़ा समय जाने दो, आपका भी बोई अब इतना जो गोल होवेगा, सरकार उखाड़ के फेंकेंगे इस बार किसान, आप ध्यान रखना। आप यार कुछ भी संकेत नहीं है, जो नासमझ लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है, लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है। हम यह कुछ नहीं कर रहे, बातचीत से तो बात कर रहे हैं, हमें जब भी बुलाया गया किसान पहुंच गए हैं, बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, सम्मान पूर्वक, सरकार का सम्मान करते हुए बात करते हैं। तो आपको कीलें बिछाने की क्या जरूरत है? और मुझे एक चीज बताओ, आप कीलें जो उखाड़ ली हैं तो बढ़िया, क्या चलो उखाड़ लें, ये 3 रास्तों पर कीलें लगा रखी हैं, और मैं आपको गिनलो अभी बता दे रहा हूं, दिल्ली में इनके अलावा 15 रास्ते हैं घुसने के, अगर हमें घुसना होगा तो 15 रास्तों से घुस जाओ, इन कील से क्या फर्क पड़ा है? ये समझने की जरूरत है ना, ये सिर्फ ना समझ लोग हैं जिनको प्रशासन करना नहीं आता, जिनको पब्लिक को हैंडल करना नहीं आता, जो
सत्ता में इतने चूर हो गए हैं कि वो गुंडागर्दी और ताकत के दम पे ही इस सरकार को बनाए के रखना चाहते हैं, सत्ता को बना रखना चाहते हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।